हेलो भाई mm -hmm. चंदा देवी मौर्या ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है मेरा प्यार भरा नमस्कार आई हो कि आप लोग अच्छे होंगे <laughs> और देखिए सुबह का फिर टाइम हुआ है और जाना है नहाने लेकिन सोचा है कि कपड़ा काट लें इसलिए वहाँ टाइम नहीं मिलता है कटिंग करने के लिए और इस करके घर में कटिंग करना पड़ता है लेकिन ये काम कुछ ही दिन तक करेंगे बाकी पार्लर तो मेरा जो जैसा खोज रहे थे वैसा रूम मेरा मिल गया है बड़ा रूम और वहाँ ये सब करने के लिए घर लेकर आना नहीं पड़ेगा वहीं हो जाएगा और ये है लाइनिंग का सूट पहले अस्तर कटिंग किए हैं इसके बाद ये करेंगे तो अभी तो हमारा अस्तर ही हो रहा है अस्तर का कपड़ा मेरा एक मीटर है और इसलिए कि इसका बाजू नहीं बनाना है सिर्फ फ्रंट फ्रंट बनाना है आगे और पीछे का बर्स तो उतना तो बहुत काफ़ी है देखिए सत्रह इंच का है दोनों लीजिएगा तो चौंतीस इंच हुआ फिटिंग मेरा चौंतीस का ही करना है आगे पीछे दोनों मिलाकर कर चौंतीस है इसे सत्रह पर ही है सत्रह का फिटिंग तो आप लोग समझिएगा कि किसके लिए है नॉर्मल लड़की लोग का है ना हेल्दी है ना पतली है मीडियम ठीक ठाक है और इसका लेंथे से लिए हैं और ऐसे तो लेने में तो कम हो जा रहा था लेकिन लेंथ में ठीक है और चालीस इंच इसका लेंथ भी है चालीस इंच में मान लीजिए कि लाइनिंग का कपड़ा छः इंच छोटा रहता है से छः छोटा रहता है तो इसी करके कटिंग करना है इसके बाद चिपकाना है तो चिपकाने के लिए तो अभी नहीं अगली वीडियो में आपको दिखा देंगे जब सिलाई करेंगे तो इसलिए कि टाइम ज़्यादा हो गया है और हमको नहाना भी है मेरा पानी गरम हो चुका है गीज़र ठंडी के मौसम में तो गीज़र चलाना पड़ रहा है नहीं तो मोटर चलाइए नहा कर भाग जाइए अब इसी करके सोचेंगे जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम कपड़ा कटिंग कर लें इसके बाद जाएंगे बाथरूम में और देखिए मेरा लाइनिंग का कपड़ा है कट गया है और देखिए मोटे होने का फ़ायदा कि जहाँ है वहाँ से उठ नहीं जाता है पतले लोग जल्दी जल्दी उठ जाते और हम लोग को पैर पर बैठने में दर्द होता है पैर इस करके आप लोग कहिएगा कि कैसे बैठती हैं नीचे बैठना और उठना बड़ी दिक्कत हो जाता है और ये है लिबी जी का कपड़ा कॉटन वाला नहीं लिए हैं ताकि इसका नेट फैब्रिक है नेट फैब्रिक में कॉटन अच्छा नहीं लगता है इसलिए कि थोड़ा सा चढ़ जाता है और लूजिंग हो जाता है और ये है तो ये बढ़िया है ये चढ़ता भी नहीं है ना लूजिंग होता है ये एकदम परफेक्ट रहता है तो लाइनिंग का कपड़ा खैर लेबी जी में बहुत अच्छा रहता है थोड़ा सा ये है कि गर्मी के दिन में गर्मी लगेगा तो गर्मी में कौन सा आदमी लाइनिंग पहनता है ठंडी के लिए लेकिन बहुत बढ़िया है अब देखिए मेरा आप लोग से बातें करते करते मेरा लाइनिंग का कपड़ा हो गया है और देखिए मेरा सूट का कपड़ा जो कि कुर्ती ही बनाना है ये नहीं कि फ्राक सूट बनाना है कुर्ती बनाना है और इस समय तो बहुत सारे सूट हैं सूट का कटिंग रोज ही आप लोग को मिल ही जाता है कभी कभी वीडियो नहीं बनाते हैं तो मिस हो जाता है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा लाइनिंग वाला कुर्ती आप लोग को कैसा लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि इससे भी इजी तरीका से आप लोग को कटिंग करना बताएंगे देखिए मेरा कटिंग हो चुका है और खाली अब बाजू निकालना है तो बाजू बाद में निकालेंगे बाजू से बेसी है मेरा कपड़ा लेकिन अभिनेश का बहुत सारा काम पड़ा है लाइनिंग का चलते नहीं तो जल्दी हो जाता है इसको चिपकाना है ताकि नीचे झोल ना आ जाए चिपका कर इसका सिलाई करने में अच्छा है इसी करके आप तो सोचेंगे आज कटिंग दे दें सिलाई अगले वीडियो में दे देंगे लेकिन कटिंग का वीडियो देखिएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसलिए कि कटिंग मेरा फाइनल हो गया है वीडियो अपलोड कर रहे हैं बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा हम तो अच्छा ही बनाए हैं और अपना अपना पसंद और आप लोग बताइएगा तो और इससे भी अच्छा अच्छा कुर्ती कटिंग बताएंगे नज़दीक हैं तो सिलवाने के लिए भी चलाइएगा आप लोग का सिलाई बहुत कम रेट में सी देंगे इसलिए कि मार्केट से मेरा सिलाई का रेट बहुत कम है और देखिए मेरा पलट कर देख लिए हैं आगे बताइएगा